देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। दरभंगा में लगातार भीषण गर्मी पड़ रही है और ऐसे में लोगों के घरों के चापाकल भी सूख गए हैं। ऐसे में मात्र दरभंगा नगर निगम के वाटर टैंकर द्वारा मिल रहे पानी का ही सहारा है। जैसे ही लोगों के बीच वाटर टैंकर पहुंचता है, लोगों में पानी लेने के लिए लूट मच जाती है। पानी की समस्या लोगों के बीच एक प्रमुख समस्या बनी हुई है। बारिश नहीं होने के कारण पानी का लेयर जमीन से कई नीचे जा चुका है और लोगों के चापाकलों से भी पानी आना बंद हो चुका है। पानी की किल्लत लगातार जारी है। सिर्फ एक दो जगह नहीं बल्कि दरभंगा नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत कई वार्डों में इस पानी की भीषण किल्लत हो चुकी है। पानी की समस्या पर हमने कुछ लोगों से बात की। क्या कुछ कहना है इन लोगों का, आइए जानते हैं। की है पानी कब से बंद है? कब से ऐसे हो गया, गर्मी आया है तब से पानी नहीं चल रहा। तो फिर कौन सा पानी से काम होता है? कल से लाते हैं पानी, ये आता है तो उससे काम होता है। हम लोग का चापा का सूखा हुआ है जी। हाँ, अभी कल से लाते हैं, घर आता है तो ये खाना बनाने के लिए कल से पानी लिया। वार्ड नंबर कितना है? 40 है। देखिए, खाना पीना तो सब कुछ बन जाता है, बगल में कल वहाँ से लाते हैं। अच्छा, दूसरी बात है ये पानी जो है समय पर आना चाहिए, 8 बजे 9 बजे तो आता है, 2 बजे खाना किस समय बनेगा ये बताइए आप। पानी का सुविधा जो है 7 बजे माने नौकरी करने वाला मजदूर करने वाला है, 12 बजे 1 बजे पानी आया तो पानी किस समय माने देंगे? ये माने कपड़ा खींचने के लिए और जो है बर्तन बासन करने के लिए, माने खाना के माने पानी की सुविधा खाना के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत है। आप लोग के घर में चापाकल है? हमारे घर में चापाकल में है मगर चलता नहीं है। जाएंगे 36 में जाने जाते हैं? हम जाते हैं ये 48 में, 42 में और 35 में देता। अभी जो यहाँ पे कौन सा वार्ड है? ये 42 है सर। कितने मरतब यहाँ पे आते हैं? 3 बर्तन। कितना लीटर का ये टैंकर है? 4000। कितने बजे यहाँ पे पानी देते हैं? यहाँ पे 10 से 12 बजे के अंदर में यानी 3 टैंकर पानी खाली होता है। कितनी दिक्कत है यहाँ पर के लोगों को? पानी तो बहुत बहुत दिक्कत है। सो गया आसमान, सो गया ये जहां, सो गया आसमान, सो गई है सारी मंजिलें, ओ सारी मंजिलें, सो गया है रास्ता, सो गया ये जहां, सो गया आसमान, सो गई हो गया ये जहां, हो गया आसमान। मुफ्त उपचार, हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज, इंतजार किसका? जाएं सर्राफ ऑर्थो स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ, आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ,
रीढ़ हड्डी नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सराफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डीएमसीएच के सामने लहरिया सराय। मनोरंजन ही मनोरंजन, अब आपके शहर दरभंगा पुरानी बस स्टैंड में डिज्नीलैंड मेला लगाया गया है। इस मेले में मीना बाजार बच्चों के लिए टावर झूला, ब्रेक डांस, ड्रैगन झूला के साथ साथ बच्चों के लिए मनमोहक खिलौने एवं अलग अलग प्रकार के फैंसी ड्रेसों के साथ साथ अनेकों प्रकार के लजीज व्यंजन भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए और मेला का आनंद उठाइए। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पटना द्वारा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रतियोगिता प्रवेश परीक्षा 18 जून 2023 को 11 बजे से दोपहर 1:15 तक दरभंगा जिला के शहरी क्षेत्र स्थित निर्धारित किया गया। कुल 23 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन हुआ। कई परीक्षा केंद्रों के साथ एक परीक्षा केंद्र था जिला हाई स्कूल परीक्षा केंद्र, जहां इस परीक्षा केंद्र पर 733 परीक्षार्थियों की परीक्षा का केंद्र बनाया गया था। परीक्षा समाप्त होने के बाद बाहर निकल रहे कुछ विद्यार्थियों से हमने बात की, क्या कुछ लोगों ने परीक्षा से संबंध में बताया, आइए सुनते हैं। ये बिहार आईआईटी का एग्जाम ठीक ठाक था, प्लस टू हाई स्कूल है, आगे भी पढ़ वो तो नहीं पता। किस चीज का एग्जाम है? आईटीआई हो गया एग्जाम जी। अच्छा जी, आएगा सफलता जी, पाएंगे भी है। जिला स्कूल दरभंगा में जब कभी भी किसी प्रकार की परीक्षा होती है तो सड़क जाम होना मामूली बात हो जाती है। रविवार को आईटीआई की परीक्षा थी, ऐसे में कई जगह सड़क जाम की स्थिति देखी गई और काफी समय तक लोग लंबी दूरी तक इस जाम में फंसे रहे। रविवार को जिला स्कूल विरोध में सड़क काफी दूर तक जाम रहा, जिसके कारण बड़ी छोटी सभी गाड़ियों को निकलने में काफी समय लगा। जब भी किसी भी प्रकार की परीक्षा का आयोजन होता है तो ऐसा लगता है जैसे यातायात थाना सड़क जाम से निजात देने के लिए कोई खास व्यवस्था नहीं करती है। उन्माद उत्पात की ताकतों के खिलाफ हक व इंसाफ के लिए मुस्लिमों, दलितों, महिलाओं और समाज के कमजोर तबके की व्यापक एकता के आह्वान के साथ इंसाफ मंच की दरभंगा जिला कमेटी की विस्तारित बैठक मिर्जापुर जिला कार्यालय में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला सचिव मकसूद आलम पप्पू खान ने किया। बैठक को संबोधित करते हुए इंसाफ मंच के राज्य उपाध्यक्ष नियाज अहमद ने कहा कि फांसीवादी भाजपा के निशाने पर मूलत देश के मुस्लिम, दलित व महिलाएं हैं। वे डॉक्टर अंबेडकर पर भी हमले कर रहे हैं। बिहार में जगह जगह उनकी मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं। अंबेडकर की मूर्तियों पर हमला करके वे देश के धर्मनिरपेक्ष ढांचे पर हमला कर रहे हैं। इन ताकतों के खिलाफ मुस्लिमों, दलितों व महिलाओं की व्यापक एकता आज समय की मांग है। इस बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि आज मुस्लिम समुदाय देश के नए दलित बनाए जा रहे हैं। इंसाफ मंच 25 जून को पटना के गेट पब्लिक लाइब्रेरी में तीसरा राज्य सम्मेलन आयोजित कर रहा है। देश में उन्माद उत्पात की राजनीति व बड़े अहदेदारों द्वारा नफरत फैलाने की कोशिश के खिलाफ इंसाफ मंच खड़ा है। इसका गठन नागरिकता कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन के दरमियान समाज की जरूरत के अनुसार हुआ है। बिहार के विभिन्न जिलों में रामनवमी के मौके पर
एक तरफा मुस्लिम समुदाय पर हमला किया जा रहा है जो कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा। भाकपा माले के जिला सचिव बैद्यनाथ यादव ने कहा कि फासीवादी ताकतें शिक्षा के केंद्र पर हमला कर रही हैं, जिसका ताजा उदाहरण बिहार शरीफ के अजीजिया मदरसे पर हमले की घटना है। सासाराम और बिहार शरीफ के दंगाइयों की गिरफ्तारी और सजा होनी चाहिए। महिलाओं पर हो रहे जुल्म और अत्याचार के खिलाफ भी संघर्ष जारी रखना होगा। मकसूद आलम पप्पू खान ने कहा कि बिना कुर्बानी के मंजिल नहीं मिलती, बिना हुकूमत हासिल किए कुछ नहीं हो सकता। न्यायालय में कुछ ही परिवारों का बोलबाला है। 275 सांसद ऊंची जाति के हैं, जो कि झोपड़ी में रहने वालों को साथ लाना होगा। जुल्म सिर्फ मुस्लिमों पर नहीं, सभी अकलियतों पर हो रहा है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम, दलित और पिछड़ा वर्ग आपस में भाई भाई हैं। यदि इनमें एकता हो जाए तो भाजपा को पीछे धकेल देंगे। नरेंद्र मोदी कठपुतली है, इसके पीछे अडानी और अंबानी है। सुप्रीम कोर्ट के जज अभी भी उच्च वर्ग के ही क्यों है। इस बैठक में मौजूद प्रमुख लोगों में रंजन प्रसाद सिंह, रानी सिंह, शोभा देवी, जिनत प्रवीण, मोहम्मद सगीर, मनोज पासवान, मोहम्मद रिजवान आजाद, गोल्डन खान, धनराज शाह, अफसाना रोशन, कुर्बान नदाफ, मोहम्मद जमशेद, सनिचरी देवी, लक्ष्मण पासवान, राहुल आनंद, मोहम्मद गुलाम अंसारी, मोहम्मद वाहिद, अकबर बादशाह आदि शामिल थे। ITJEE एडवांस 2023 का परिणाम घोषित होने के साथ ही ओमेगा स्टडी सेंटर दरभंगा के परिसर में उत्सव का माहौल दिखा। देश के सर्वाधिक प्रतिष्ठित भारतीय प्रौद्योगिक संस्थानों में दाखिले के लिए होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा JEE एडवांस 2023 का परिणाम रविवार सुबह घोषित कर दिया गया, जिसमें दरभंगा के मिर्जापुर स्थित ओमेगा स्टडी सेंटर के बच्चों ने अपने मेहनत और संस्थान के उचित मार्गदर्शन में ऐतिहासिक सफलता प्राप्त की, अपने सपनों को हकीकत कर दिखाया। संपूर्ण उत्तर बिहार में पहली बार किसी एक कोचिंग संस्थान से दर्जनों बच्चों ने IIT में नामांकन के लिए अपना चयन सुनिश्चित किया। बताते चले कि संस्थान पूर्व के वर्षों में भी IIT, JEE एवं NIT में सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट हरेक वर्ष देने के लिए जानी जाती रही है, और अब इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए संस्थान ने IIT JEE एडवांस 2023 के रिजल्ट में एक बार फिर वो करिश्मा कर दिखाया है। संस्थान के चेयरमैन सुमन कुमार ठाकुर एवं मैनेजिंग डायरेक्टर सुमित कुमार चौबे ने अपने सभी सफल छात्र छात्राओं, शिक्षकों व अभिभावकों के साथ सफल छात्र छात्राओं की सूची साझा करते हुए बताया कि संस्थान के बच्चों ने अपनी श्रेणी में अति विशिष्ट रैंक हासिल किया है। मेरा नाम छाया है और मेरा कैटेगरी रैंक 2392 है, और कोचिंग का बहुत ज़्यादा रोल रहा है मेरे प्रिपरेशन में, खासकर कि समय सर का, कि जब भी टेस्ट देते थे तो कम नंबर के बाद बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट गिर जाता था कॉन्फिडेंस, उस टाइम पे बहुत सर ने मदद की। और यहाँ के टीचर्स को भी मैं दिल देना चाहती हूँ, यहाँ के डाउट सॉल्विंग डिपार्टमेंट है बहुत अच्छा। मिर्जापुर में मैं ओमेगा में क्लास 9 से पढ़ रहा हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पे बहुत कम्फर्टेबल होता है सब लोग से। मैंने जो एडवांस 2023 में AIR 1800 रैंक लाया और कैटेगरी रैंक 305, और मुझे मैं इसका श्रेय पूरा ओमेगा को देना चाहता हूँ, अपनी फैमिली को देना चाहता हूँ। ओमेगा में सारे फैकल्टीज हमारे साथ हमेशा रहते थे, स्पेशली सुमित सर जो हमारे साथ 24 घंटे रहते थे, कोई भी हेल्प चाहिए होता था, और सबसे इम्पोर्टेंट जो माइंड सेट चाहिए होता है जो एडवांस के लिए, वो उन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छे तरह से डेवलप किया है। आह्लादित करने का ये क्षण है, और सबसे पहले तो ईश्वर को बहुत बहुत आभार, और ओमेगा परिवार ने आज ये सिर्फ रिजल्ट नहीं दिया है, एक ये वाकई एक बड़ा कीर्तिमान है, और अपने श्रेणी में बच्चों ने एक से एक बड़ी सफलता अर्जित की है। जैसे मानस से आपने सुना कि 305 ऑल इंडिया रैंक उन्होंने अपनी श्रेणी में लाया है, इसी तरह से बहुत सारे बच्चे, 2 दर्जन से ज्यादा बच्चों ने एडवांस में बहुत अच्छा रैंक ऑब्टेन किया इस बार, और इसका सारा श्रेय मैं बोलूंगा कि ईश्वर के साथ साथ हमारे सुमित सर को, जिन्होंने एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजी, बहुत अच्छी प्लानिंग, फुल प्रूफ प्लानिंग की थी, और हमारे सारे जितने भी यहाँ पर शिक्षकगण हैं हमारे एक्सपर्टीज के साथ, रूपेश सर, रोशन सर, BKS सर, NKS सर, सिद्धि सर, और जितने भी सारे लोग हैं, ओझा सर,
इन लोगों ने डे नाइट बच्चों के साथ काम किया था, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए सुमित सर ने स्पेशली उन लोगों को पर्सनली वन टू वन गाइड किया था, और वो सारे अभिभावक जिन्होंने ओमेगा को अपना सब कुछ दिया, पूरा भरोसा दिया, पूरा ट्रस्ट दिया, उनके पास देश भर में बहुत सारा ऑप्शन था, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा देखा कि नहीं, मिथिला के अपने धरती पे ओमेगा स्टडी सेंटर वो काम कर सकती है, और अपने पूरे टीम के सहयोग से, मैनेजमेंट के सारे लोगों के सहयोग से हम लोगों ने आज वो कर दिखाया है। साथ ही हम आप लोगों को एक बात और बताएंगे, इस बार के रिजल्ट को देखिए, आपने देखा दो दिन पहले हम लोगों ने नीट में भी एक हिस्टोरिकल रिजल्ट दिया है, और आज एडवांस के रिजल्ट के साथ आप लोगों के सामने हम लोग हैं। तो अब हम लोगों ने तय किया है कि अगले साल से हम लोग एक टारगेट लेके रिजल्ट देंगे, और अगला जो हम लोगों का लक्ष्य है वो 100 का लक्ष्य है, 100 IIT और मेडिकल के बेस्ट रिजल्ट देना हम लोगों का अब ये टारगेट है, और उसके लिए दिन रात एक करके हम लोग मेहनत करेंगे, और मिथिला के धरती का वो गरिमा, शैक्षणिक गरिमा फिर से वापस लाने की ठाना है हम लोगों ने। दरभंगा शहर के नाका नंबर 5 स्थित फिजिक्स एक्सपर्ट के सर के द्वारा संचालित आइडियल पाथ में प्रत्येक साल की तरह इस साल भी आइडियल पाथ स्कॉलरशिप का आयोजन किया जाएगा। इसमें 20 सर्वश्रेष्ठ छात्रों को निःशुल्क शिक्षा, बाकी छात्रों को उनके अंक के आधार पर ट्यूशन फी में छूट के साथ साथ मेडल, सर्टिफिकेट, गिफ्ट दिया जाएगा। यह स्कॉलरशिप का एग्जाम क्लास 7वीं से लेकर 12वीं तक के छात्र दे सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारा मोबाइल नंबर है 8409833709 एवं 9308296082। क्लास 7वीं से 10वीं के CBSE एवं ICSE छात्रों के अलग अलग बैच की सुविधा। नीट 2022 में प्रीति कुमारी को 652 अंक, सुमित कुमार को 647 अंक के साथ साथ 12 छात्रों ने 575 से अधिक अंक प्राप्त कर किया आइडियल पाथ और मिथिला का नाम रोशन। प्रोफेसर डॉक्टर स्वर्गीय हरिश्चंद्र सहनी के प्रथम पुण्यतिथि का आयोजन किया गया। स्थानीय सुंदरपुर सहनी लॉज के निकट सर्वप्रथम चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर लोगों ने श्रद्धांजलि। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व लोकसभा प्रत्याशी आदर्श हॉस्पिटल के संचालक राजभूषण चौधरी पहुंचे थे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि स्वर्गीय हरिश्चंद्र सहनी जी को हमेशा चिंता रहती थी कि शिक्षा के क्षेत्र में कैसे छात्र आगे बढ़े, चाहे वह गरीब से गरीब छात्र क्यों न हो, हमेशा ऐसे छात्रों को पढ़ाना उनकी पहली प्राथमिकता रही। उन्होंने अपने पास से पढ़ाकर कितने छात्रों को आगे बढ़ाया, हालांकि PhD तक का भी कोर्स पूर्ण करवाया है। ऐसे प्रोफेसर की कमी कभी पूरी नहीं कर सकता। इस मौके पर लोगों को प्रशस्ति पत्र भी दिया गया। श्रद्धांजलि देते हुए देखकर आप अत्यंत गौरवान्वित हो रहा हूँ। आप सभी अभिभावकों एवं मित्रों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ। इस अवसर पर आप जो हार्दिक स्नेह और आशीर्वाद मिला है इसके लिए मैं कृतार्थ हूँ। भविष्य में भी आपका यह प्रेम मुझे मिलता रहेगा, इस आशा के साथ आप सबों का अनेक सह धन्यवाद। आगे की कार्यक्रम मन संचालन के लिए मैं माननीय ध्रुव सहनी जी को श्रद्धांजलि देना चाहूंगा कि वो काफी गरीब लोगों के लिए समाज के अंतिम पायदान में खड़े पर खड़े लोगों के लिए शिक्षा का लक्ष्य जगाने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया। इसलिए हम सब उनके पुण्यतिथि को सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्या योगदान रहा है उनका इस क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में खास करके? जैसा कि हम सब जानते हैं कि उन्होंने प्रयास किया, जो लोग आर्थिक रूप से सबल नहीं थे उनको मदद कर करके शिक्षा में बहुत सारे लोगों को पढ़ा कर करके, अपने हॉस्टल में रह करके उनको PhD करा करके आज उनके बहुत सारे पढ़ाए बेसिस
प्रोफेसर हैं, बहुत सारे कॉलेज में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में जब भी उनके साथ बैठते थे हम लोग, तो अनवरत चिंता रत रहते थे कि कैसे लोगों के बीच में शिक्षा का अलग जगाया जाए, कैसे लोगों को शिक्षा से जोड़ा जाए। नाना जी इसलिए उनका सानिध्य बहुत दिनों तक मिला, बहुत बार मिलना जुलना हुआ। जब भी आते थे एक आत्मीयता झलकता था उनके व्यवहार में, अपनापन झलकता था, कभी ऐसा नहीं महसूस होने दिया उन्होंने। और हम लोग कभी सोच नहीं पाए थे कि इतना जल्दी हम लोग को छोड़ करके चले जाएंगे। बहुत कुछ करना था उनको और बहुत कुछ किए, लेकिन समय ऐसा आया बीमारियों के कारण उनका समय से पहले ही यहाँ वसंत हो गया। हम लोग काफी नामाहत समाज के गरीब कमजोर दबे पिछले लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत थे। उन्होंने शिक्षा के माध्यम से समाज के गरीब लोगों को ऊपर उठाने का भरसक प्रयास किया। मैं 1988 से 90 तक सुंदरपुर में डॉक्टर हरिचंद सहनी का जो सहनी लॉज था, यह है उसमें मैं पढ़ता था। उसमें पीजी में पोस्ट ग्रेजुएशन में मैं था और जिस विषय में डॉक्टर हरिचंद सहनी लेक्चरर थे पॉलिटिकल साइंस में, मैं उसी पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट भी था। तो काफ़ी मार्गदर्शन उनसे मिलता था, सहयोग मिलता था और उन्होंने मुझे पीएचडी करने के लिए सलाह भी दी थी, लेकिन किसी कारणवश मैं पीएचडी नहीं कर सका। वास्तव में उन्होंने जो एक अलग जगाई शिक्षा के लिए, लोगों के मन में एक भाव जगाया, उनके लॉज में रह करके बहुत सारे स्टूडेंट पोस्ट ग्रेजुएशन किए और कई कई जगहों पर गए, अच्छे अच्छे स्थान पर गए। हमारे अनुभव में 4 स्टूडेंट हम लोग उसरा के थे और उनके सानिध्य में पढ़े लिखे, इसमें हम लोग श्री बिंदेशी प्रसाद सहनी और मैं दोनों अधिवक्ता के रूप में अभी उसरा व्यवहार न्यायालय में हजरत हूँ और सरकार का एडिशनल कुछ भी हूँ। मैं आज डॉक्टर हरिचंद सहनी के पुण्यतिथि पर उनके प्रति श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि हम लोगों के मार्गदर्शक हमेशा हमेशा के लिए बने रहेंगे, हमारे समाज के लिए पथ प्रदर्शक बने रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ दरभंगा हयाघाट के पूर्व विधायक स्वर्गीय उमाधर प्रसाद की पुण्यतिथि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम चित्र पर पुष्प अर्पित कर लोगों ने श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर कामरेड नितेश कुमार ने कहा कि स्वर्गीय उमाधर प्रसाद क्षेत्र के गरीब खेतिहार मजदूर बाजार समिति के अशोक पेपर मिल संघर्ष में हमेशा ही सक्रिय भूमिका निभाई। उनके जाने से दरभंगा ही नहीं बल्कि बिहार की राजनीति दिशाहीन हो गई है। इस मौके पर राम गणेश शर्मा, राम प्रसाद दास, चंदेश्वर राय, ललन यादव, चुन्नी लाल दास, सतन यादव, उदय कुमार सिंह आदि लोग मौजूद थे। याद तो हम लोग कर रहे हैं हमारे बिहार का सीपीएम नो डेमोक्रेसी का योद्धा थे वामपंथी का, और उनका जो है जो भी कीर्ति है छोड़े हुआ काम को पूरा करना है हम लोगों को, और संगठन को जिंदा जीवित रखना है और आगे की ओर बढ़ाना है। क्या नाम हुआ? सुनीलाल दास। पर हम लोग क्षेत्र के जितने भी संगठित आदमी उनके संगठन से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, सब आए, हम माले अर्पण किए हैं, फूलमाला अर्पण किए हैं और हम लोग ने ये प्रण लिया है कि जो उनका किया हुआ अधूरा कार्य रह गया उसको पूरा करेंगे, उनके आगे बताए हुए कदमों पर आगे चलेंगे। तो ये थे अब तक के समाचार, इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।